उनके पास हम चलते हैं और समझते हैं वहां क्या नजर आ रहा है। शिवांगी, मुंबई में क्या स्थिति है? देखिए दिनेश, मुंबई की बात करें तो यही एक दिन होता है जब सबसे ज़्यादा यहाँ उत्तर भारत के लोगों को ये महसूस होता है कि वो अपने क्षेत्र से बाहर नहीं है। ज़रा तस्वीरें सबसे पहले आपको दिखाते हैं किस तरह से टैंकर के ज़रिए यहाँ पर छोटे छोटे जो आर्टिफिशियल पॉन्ड्स बनाए गए हैं उसमें पानी भरने की प्रक्रिया शुरू की गई है। और आपको बता दें कि मुंबई ऐसा शहर है जहाँ पर सूर्य जो है वो, अगर हम उत्तर भारत की बात करें तो वहाँ से यहाँ पर देरी से ढलता है, इसलिए शायद यहाँ पर जो भक्त हैं वो अब धीरे धीरे आ रहे हैं। लेकिन अब देखिए, कमी ज़रूर महसूस हो रही है, हर साल की तरह वो दृश्य यहाँ नज़र नहीं आ रहा। जुहू चौपाटी पर एक अलग तरह का दृश्य देखने को मिलता है। और ज़रा पैन करके आपको हम दिखाएंगे, अभी हम लाइव कर रहे हैं और यहाँ पर देखिए एक और आर्टिफिशियल पॉन्ड में टैंकर भरने के लिए पानी यहाँ पर आया है। देखिए तो अब इसी तरीके से इस साल छठ पूजा यहाँ पर की जा रही है। हालांकि जो भक्त आए हैं उनमें भी काफ़ी हम देख रहे हैं कि जो लोग हैं वो नियम का पालन कर रहे हैं, मास्क पहनकर यहाँ पर सारे लोग आए हैं। और कुल मिलाकर ये तस्वीरें हम आपको सीधे मुंबई के कांदिवली इलाके से दिखा रहे हैं। तमाम जो भक्त हैं उनका साफ तौर पर यही कहना है कि भले ही यहाँ पर उपवास भी करना है, छठी मैया की आराधना भी करनी है, लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान भी रखना है, अपना भी ध्यान रखना है, अपने अपनों का भी ध्यान रखना है। इसलिए अब लोग धीरे धीरे घाट पर जो आर्टिफिशियल पॉन्ड बनाए गए हैं, उस वाले घाट कैसे मनाया जा सकता है, ये चुनौती है इस बार। और क्या एडमिनिस्ट्रेशन भी इंश्योर कर रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी वहां पहुंच रहे हैं जहां सार्वजनिक रूप से छठ मनाया जाना दिखाई दे रहा है? अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।